नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। रायपुर में बीजेपी के पूर्व नेता नंद कुमार साय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। साय के कांग्रेस में शामिल होने पर सीएम भूपेश बघेल ने फेसबुक पोस्ट कर जानकारी दी। कांग्रेस के प्रदेश दफ्तर राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में साय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर साय ने कांग्रेस की सदस्यता का फॉर्म भरा और मुख्यमंत्री ने उन्हें सूत की माला पहनाई। इस मौके पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। गौर हो कि साय ने रविवार को राज्य में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नाम अपना इस्तीफा भेजा था और दावा किया था कि उनके सहयोगी उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी छवि धूमिल करने के लिए झूठ आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद आज वो कांग्रेस में शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, ये तो ट्रेलर है, जनता दुखी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुखी हैं। देखिए, ये तो ट्रेलर है, आज जनता दुखी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुखी है, तो ये तो सर मध्य प्रदेश में कोई मालवा से कोई नेता है जो देखिए, नेताओं की मुझे चिंता नहीं है, मुझे तो जो जमीनी कार्यकर्ता है उनकी आवश्यकता है। पूर्व सांसद और आदिवासी नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने साय को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इसी पर अब बीजेपी नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम रमन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, साथ ही उनके जाने से पार्टी को नुकसान की बात कबूली। नंद कुमार साय जी वरिष्ठ नेता हैं और जनसंघ से लेकर आज तक की यात्रा में उन्होंने पार्टी ने पूरा सम्मान दिया। उस दौर में जब संयुक्त मध्य प्रदेश हुआ करता था तो पार्टी के अध्यक्ष थे वो। पार्टी ने हर बार जहाँ जहाँ जरूरत हुआ, लोकसभा में 3 बार, राज्यसभा में 2 बार और उसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग में राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा का भी दिया, तो पार्टी ने सम्मान दिया जो ज़्यादा से ज़्यादा। और इस बात का जिक्र भी करते हैं कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, अटल जी और अडवाणी जी और सुषमा जी से मैं प्रभावित रहा हूँ। मुझे लगता है कि इतने वरिष्ठ नेता ने निर्णय लिया है तो मैं तो आज यही कह सकता हूँ कि 40-50 साल की तपस्या और मेहनत पार्टी ने किया, तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पार्टी की ये काम किया। और यदि एक नया रास्ता उन्होंने चुना है तो आज मैं यही कहता हूँ, मेरी ओर से शुभकामना। कितनी बड़ी क्षति देखते हैं इसको? एक निश्चित रूप से पार्टी का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जाता। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को छत्तीसगढ़ सरकार की उस याचिका पर सुनवाई अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है, जिसमें धनशोधन रोकथाम कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इसे अगस्त तक स्थगित कर दिया। इस मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश हुए। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों के सामान्य कामकाज को बाधित करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। भूपेश बघेल नीत राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत कानून को चुनौती देते हुए मूल वाद दायर किया था। अनुच्छेद 131 किसी राज्य को केंद्र या अन्य किसी राज्य के साथ विवाद के मामलों में सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार देता है।
आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ को बोरेबासी त्यौहार के तौर पर मनाया जा रहा है। बोरेबासी खाने से कई रोग भी दूर होते हैं। यही नहीं, डॉक्टर भी लोगों को बोरेबासी खाने की सलाह देते हैं। वहीं श्रम दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूरों के लिए कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रमेव जयते के नारे के साथ श्रम त्यौहार पर प्रदेश के किसानों और श्रम वीरों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने खनन, कृषि, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों का हमेशा सम्मान किया है। पिछले 4 सालों में हमारी सरकार ने मजदूरों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। हमारी सरकार मजदूरों के खाते में सीधे पैसे डाल रही है, चाहे नोनी सशक्तिकरण योजना हो या अन्य योजनाएं। आज छत्तीसगढ़ के यदि अर्थव्यवस्था में आज छत्तीसगढ़ जैसी स्थिति में पहुंचे है, वो में सबसे बड़े योगदान है तो हमारे मजदूर साथी मन के। चाहे सड़क बने, बिल्डिंग बने, खेत में उत्पादन बढ़ा थे, लघु उपज के उत्पादन बढ़ा थे, पूरा देश में 74% यदि लघु उपज के खरीदी होते तो सब हमारे मेहनत का साथी मन के बदौलत होते। आज हमारे पहचान छत्तीसगढ़ में बने हैं, देश और दुनिया में तो हमारे मजदूर साथी मन के बड़ा योगदान है। ऐसा समय में आप सबके मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सब पिछले 4 साल में हमारी सरकार यह किसान मन पर बड़े बड़े योजना ले, ओकरे साथ साथ मजदूर मन पर भी बड़े बड़े योजना हम लागू करें, जेकर बारे में भाई सफी है, भाई सुशील सन्नी अग्रवाल है, भाई सी डेरिया बहुत विस्तार से आपसे चर्चा करें। हमार सरकार सीधा खाता में पैसा पहुंचाए काम करत है, चाहे नोनी सशक्तिकरण योजना हो, चाहे ओकर इलाज के बात हो, चाहे ओकर रोजगार के बात हो, चाहे हमार खेतिहर मजदूर मल्ल 7,000 रूपये सालाना दे के बात हो, सीधा खाता में पहुंचाए के काम। अभी सिलाई मशीन और दूसर मन के भी दिया जाए तो सीधा खाता में पहुंची। पिछला सरकार में तो चप्पल खरीदे तेने में कमीशन, और चप्पल खरीदे तो एक गोड़ में 5 नंबर के, एक गोड़ में 6 नंबर के। साइकिल के बारे में सन्नी बतावे कर रही थे, टिफिन बांटे काम कर रहे थे, मोबाइल बांटे काम कर रहे थे, मोबाइल कान में लगावे तो भ्रष्ट हो जादरी से। ऐसा काम हमार सरकार मैंने सब बंद करवाए। पिछला सरकार में आओ मैं देखे कैसे नकली दवाई आए, आंखी में डाले तो आंखी फूट जादरी से, गर्भाशय कांड हो जादरी से, नानचिक नसबंदी इलाज ऑपरेशन वो में 13-13 बेटी मन के मौत हो गए। लेकिन आज ब्रांडेड कंपनी की दवाई सब मजदूर साथी मल्ला मिलत ओकर मन के इलाज होते। वही प्रकार से ऐसा योजना मन के माध्यम से हमन काम करत हन, जेकर से आप सब लाभ होते। छत्तीसगढ़ में 18,40,000 से ज्यादा निर्माण श्रमिक मन के पंजीयन किए गए, और ओकरे साथ साथ यदि मृत्यु होते, दुर्घटना होते ओकर मन पर व्यवस्था। साथ ही नोनी सशक्तिकरण में 20,000 रूपया दिए जाते, 26,352 बेटी मल्ल ये योजना के लाभ मिल चुके हैं। श्रमिक स्वयं सहायता योजना में लगभग 223 श्रमिक मन एक लाभ उठा चुके हैं। और आज ये बात लमोल कहते हुए खुशी होते कि महिला श्रमिक मल्ल। दुर्ग जिले में 1 मई मजदूर दिवस को बड़े अनोखे अंदाज में मनाया गया। मुख्यमंत्री के आह्वान पर जिले में सभी अधिकारियों और नेताओं ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत पर गर्व महसूस करते हुए श्रमिकों के सम्मान के बारे में बासी खाकर उत्सव मनाया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने तो श्रमिक दिवस श्रमिकों के साथ मनाया। सोमवार सुबह छावनी वार्ड 40 के क्षेत्र पहुंचे। यहां पूर्व पार्षद और ब्लॉक अध्यक्ष तुलसी पटेल और श्रमिकों के साथ बैठकर बोरे बासी खाकर सभी को श्रमिक दिवस की बधाई दी। इस मौके पर देवेंद्र ने कहा कि बोरे बासी विटामिन से भरपूर आहार है, साथ ही साथ इसका स्वाद भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति की तरह लाजवाब है। विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने श्रमिक दिवस पर श्रमदान कर श्रमिकों के साथ बोरे बासी खाया। बोरे बासी खाकर सभी ने श्रमिक दिवस मनाया।
और बोरे बासी दिवस 1 मई को विश्व भर में श्रमिकों को सम्मान देने के लिए विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आह्वान पर श्रमिकों के सम्मान में बोरे बासी दिवस पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष और केशकाल विधायक संतराम नेताम ने भी सोमवार को अपने गृह ग्राम पलना पहुंचकर स्थानीय ग्रामवासियों और मनरेगा श्रमिकों के साथ मिलकर बोरे बासी दिवस मनाया। इस अवसर पर उन्होंने खेत में जाकर श्रमिकों के साथ श्रमदान किया और उनके साथ ही बैठकर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बोरे बासी का आनंद भी लिया। बोरे बासी दिवस की सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बोरे बासी छत्तीसगढ़ के मेहनतकश मजदूरों के लिए सिर्फ भोज नहीं, हमारी संस्कृति का हिस्सा है जिस पर हमें गर्व है। आज पूरे विश्व में श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर में हमारे पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप बोरावासी का एक त्यौहार मना रहे हैं। मैं भी आज हमारे गृह ग्राम में आकर हमारे मेहनत कश मजदूरों के साथ काम भी करने लगा और उनके साथ बोरावासी खाकर हम लोग सब लोग आज उस त्यौहार को धूमधाम से मना रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ा एक त्यौहार है। इस अवसर पे मैं पुनः सभी लोगों को बधाई देते हुए सरगुजा जिले में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर अंबिकापुर के सर्किट हाउस में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और जिले के तमाम अधिकारियों ने श्रमिक दिवस को बोरे बासी के रूप में मनाया। इस दौरान जिले के तमाम श्रमिकों को सम्मानित करते हुए चेक वितरण किया गया, साथ ही श्रमिकों के साथ बोरे बासी ग्रहण किया। इस दौरान खाद्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को बोरे बासी दिवस के रूप में मनाती है। इससे श्रमिकों के उत्थान सहित सभी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार श्रमिकों के प्रति प्रतिबद्ध है। साथ ही दिग्गज आदिवासी नेता नंदकुमार साय के कांग्रेस प्रवेश पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने चौपाई अंदाज में अमरजीत भगत ने कहा कि नंदकुमार साय का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर सभी श्रम वीरों को, सभी श्रमिक साथियों को बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रमिक दिवस को यादगार बनाने के लिए, उनको श्रमिकों को सम्मान देने के लिए आज बोरे बासी दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, सभी श्रम वीर साथियों को भी जो दिन रात मेहनत करके समाज में खुशहाली लाते हैं, उनको, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ और उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप हैं तो सब खुशहाल समाज है। आपके मेहनत को, आपके श्रम को मैं नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ और पूरा सरकार आप लोगों के साथ है। हम सब मिल करके प्रगतिशील समाज का गठन करेंगे, उस समाज को आगे बढ़ाएंगे, विकास की धुरी पे ले जाएंगे आगे और समाज खूब तरक्की करेगा। सब कुछ उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत सारे योजना सरकार की तरफ से संचालित है उन श्रम वीरों के सम्मान के लिए, उनके हित के लिए, उसका हम लोग सब। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की और जय नंद कुमार साय की, जय नंद कुमार साय की। नंद कुमार साय जी ने एकदम सही निर्णय लिया है और एक कदम उठा करके अपना मान सम्मान, अपना इज्जत बचाया। कांग्रेस उसको, उनको सम्मान देगी और वो यहाँ पर अच्छा फील गुड, अमूनन वही स्थिति रहेगा जो पहले था। कुछ तो असर पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूँ कि पहले का लीड भी कोई कम नहीं था और इनके आने से जो एंटी कैंपेंसी रहता है उसको हम, इसको फिलअप करने में काफ़ी हद तक सफल। और कुछ बड़े नेता जो संपर्क में हो, जो आएंगे कांग्रेस में, कांग्रेस में तो सबका के लिए दरवाजा खुला है। खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है जहां आज 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही इस दिन को छत्तीसगढ़ी के पारंपरिक भोजन बोरे बासी त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसी क्रम में आज राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद में भी मजदूर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने शिरकत की। कार्यक्रम में मेहनतकश मजदूरों को साल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत पिछले दिनों बेरोजगारी भत्ते के लिए पंजीयन कराए गए बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। कार्यक्रम के अंत में विधायक भुवनेश्वर बघेल और नवाज खान ने मजदूरों के साथ बैठकर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक भोजन बोरे बासी का स्वाद भी चखा। एक मई मजदूर दिवस के सबो मजदूर संगवारी मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई दे थे। और जैसे कि आप सब लोग पता है कि छत्तीसगढ़ में 15 साल के बाद कांग्रेस पार्टी के सरकार बने के बाद प्रदेश के मुखिया भैया भूपेश बघेल जी जो किसान के बेटा लई बार मुख्यमंत्री के बने के मौका मिलीस वो छत्तीसगढ़ के संस्कृति सभ्यता ओकर रहन सहन ओकर खान पान ल उभारे के काम करीस। ओकरे तहत आज हमन बोरे बासी दिवस के रूप में भी एक महिला हमन छत्तीसगढ़ में मनाथन। ये बोरे बासी मतलब है कि मजदूर के सम्मान करे के काम हमर छत्तीसगढ़ के प्रदेश में आदरणीय भूपेश बघेल जी हमला सिखाई जे आज पूरा छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरा देश में अब तो विदेश में भी हमर बोरे बासी के सम्मान वहाँ हुआ थे। वो अमेरिका में बैठ के भी हमर संगवारी मन बोरे बासी खा थे। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव के बात है। और ये आज मजदूर दिवस के दिन मैं सबों मजदूर संगवारी मल्ला पुनः एक बार निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में इसका पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में इसका बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि आज के दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने मजदूरों का सम्मान एवं बोरेवासी खाने का निर्णय लिया है। ये बोरेवासी एक छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है और गरीब अमीर मजदूर छत्तीसगढ़ में सभी लोग इसको खाते हैं बड़े चाव से, और इसलिए बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग सब आज अपने मजदूर भाइयों के साथ किसान भाइयों के साथ बैठ करके आज बासी खा रहे हैं। एक बहुत अच्छी परंपरा बहुत अच्छी संस्कृति की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सभी मजदूर साथियों को आज के दिन के लिए बहुत। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर मेहनतकश श्रमवीरों के सम्मान पर किसान पुत्र विधायक और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने ग्राम कंचादुर में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति परंपराएं तीज त्योहार बोली भाषा खेलकूद इन सबके संरक्षण और संवर्धन हेतु निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक व्यंजन और खानपान को भी आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। बोरेवासी हमारे छत्तीसगढ़ के समूचे मेहनतकश लोगों का पारंपरिक और पसंदीदा आहार है। साथ ही जिले के सभी जनप्रतिनिधियों गणमान्य नागरिकों सहित सभी जिलेवासियों ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर हमारे मेहनतकश श्रमवीरों के सम्मान में अनिवार्य रूप से बोरेवासी खाकर छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, इसके लिए सभी का आभार। और आज वो श्रमिक भाई वो मजदूर भाई मन के सम्मान में जिन एक महिला मजदूर दिवस के रूप में हमर जिन परंपरागत जिन खान पान है बोरेवासी ओकर तिहार के रूप में आज हमन मनाथन। ये पूरा प्रदेश में सामूहिक रूप से एक साथ मजदूर साथी श्रम शक्ति के जिन हमन प्रयोजन के हिसाब से होला एक ये मानथन गांव में कि जहां श्रम है जहां परिश्रम है वहां निश्चित ही लक्ष्मी के भगवान के वास होते। और आज वो मजदूर मन जिन मन मेहनत कसे जेकर माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के चाहे वो अर्थव्यवस्था के बात हो या छत्तीसगढ़ के श्रम के बात हो ऊपर सम्मान के दिन बात है आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोरेवासी दिवस के रूप में 1 मई के दिन आयोजन पूरा प्रदेश में थे ओकर माध्यम से आज हमन पूरा गुंडरदेव विधानसभा के हर ब्लॉक में एक सामूहिक रूप से आयोजन करें। छत्तीसगढ़ के बासी बोरेवासी तिहार आज मुख्यमंत्री के से होते जिसमें हमारा विधायक महोदय जी इन्हें यहाँ के सब मजदूर मल्ला बुला के यहाँ बोरेवासी के आयोजन करे थे। हमें हम सब भूपेश बघेल जी ला और हमारे स्थानीय विधायक श्री माननीय श्री कुंवर सिंह निषाद जी ला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का रविवार को प्रसारण हुआ। बस्तर जिले में जगह जगह भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। जगदलपुर विधानसभा के अलावा ऑल में वन मन की बात कार्यक्रम को श्रेणी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री और आध्यात्मिक गुरु सतपाल महाराज भी पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की सराहना की, साथ ही बताया कि G20 का नेतृत्व भारत कर रहा है, जो कि सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाखों की संख्या में देशवासी पत्र लिखते हैं, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में की जाती है। ऐसे में एक सार्थक परिणाम मन की बात कार्यक्रम से निकलने की बात सतपाल महाराज ने कही। बस्तर में हो रहे धर्मांतरण को लेकर उन्होंने कहा कि लालच देकर किए जा रहे धर्मांतरण का विरोध करते हैं। उत्तराखंड में भी धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाया गया, ऐसा ही अन्य प्रदेशों में भी होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने भगवान राम के वनवास से जुड़े स्थानों को संरक्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन सर्किट बनाने से स्थानीय लोगों के रोजगार में वृद्धि होने की बात कही। चित नहीं है राम के मार्ग में, जो आध्यात्मिक मार्ग है उसमें आध्यात्मिक चिंतन होना चाहिए और लोग पैदल चल करके, ट्रैकिंग करके, पैदल चल करके उसके अंदर लाभ प्राप्त करें। जिस प्रकार से राम का जीवन, राम का व्यवहार रहा, उसी प्रकार से एक टूरिज्म के माध्यम से उसको साकार करने का हमें काम करना चाहिए। बार खुलना ठीक नहीं, चित नहीं है राम के मार्ग में, जो आध्यात्मिक मार्ग है उसमें आध्यात्मिक चिंतन होना चाहिए और लोग पैदल चल करके, ट्रैकिंग करके, पैदल चल करके उसके अंदर लाभ प्राप्त करें। जिस प्रकार से राम का जीवन, राम का व्यवहार रहा, उसी प्रकार से एक टूरिज्म के माध्यम से उसको साकार करने का हमें काम करना चाहिए। मजदूर दिवस पर मजदूर संघ कोंडागांव के द्वारा चौपाटी मैदान में सभा का आयोजन किया गया, साथ ही मजदूर संघ के द्वारा बोरावासी खाने का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर मजदूर संघ ने कार्यक्रम में पहुंचकर मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दी। मजदूर संघ जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि हम मजदूर दूसरे लोगों का आशियाना बनाते हैं, पर हम मजदूरों के लिए छत नहीं है। हम इस साल भी 1 मई को मजदूर दिवस मना रहे हैं। जो शासन की योजना है बासी बोरा की, उसका भी आयोजन हम लोग चौपाटी मैदान में किए है और जितने भी हमारे दूर दराज से जिला से आए हुए मजदूर भाइयों को आज बासी बोरा का भी आनंद दिया जाएगा। शासन से हमारी एक मांग है, हम दूसरे की छत को बनाते हैं मगर मजदूर संघ के लिए आज छत नहीं देंगे। हम लोग ने शासन से बहुत प्रयास किए, बहुत उनको आवेदन भी दिए, ज्ञापन भी सौंपे, पर आज तक हमें एक छत देने की भी काम नहीं की है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन को भी, प्रशासन को भी चेतावनी देता हूँ, 2023 में मजदूर संघ के द्वारा इस कोंडागांव जिला में दोनों विधानसभा प्लस हमारे मतदाता क्षेत्र भी आती है, हम तीनों जगह मजदूर के द्वारा। बस्तर पुलिस के द्वारा लगातार आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल और नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के मार्गदर्शन में थाना नगरनार सीमा से लगे उड़ीसा प्रांत से होने वाले अवैध पदार्थों की परिवहन को रोकने और कार्यवाही करने के लिए एक टीम गठित की गई। पतासाजी के दौरान टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा से जगदलपुर की ओर आ रही टाटा मैजिक सवारी एक संदिग्ध व्यक्ति बैठा है, जो अपने पास रखे बैग में अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहा है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल नाकाबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए, जिस पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम तत्काल धनपूंजी फॉरेस्ट नाका में घेराबंदी कर मुखबिर के बताए अनुसार सवारी वाहन को रोक कर चेक किया गया, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति बैठा मिला। नाम पता पूछने पर प्रारंभिक तौर पर पुलिस को गुमराह करता रहा। आरोपी के विरुद्ध NTPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया। जगदलपुर में जब मैं 2008 में विधायक निर्वाचित हुआ, उस टाइम यहां पर तत्कालीन कलेक्टर महोदय गणेश शंकर मिश्रा जी थे। गणेश शंकर जी मिश्रा जी के प्रयास से यहाँ पर जो अपने
शहीद पार्क चौक पे चित्रकूट का प्रतिकृति का एक मॉडल बनाया जाए, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया और पर्यटन मंडल से पैसे लेकर उस चीज़ को बनाया और उसको आगे संचालित करने का काम नगर निगम का था। नगर निगम के तत्कालीन जो लोग थे वो तत्कालीन लोगों ने उसमें विदेश पूर्वक उसको हैंडओवर नहीं लिया, मेंटेनेंस नहीं किया और मेंटेनेंस नहीं होने के कारण से वो एक अच्छी धरोहर जो हमारी जगदलपुर की थी वो जर्जर स्थिति में पहुंची। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज़।